आज हम बहुत लोगों के पास जा रहे हैं अपना भाग्य ठीक करवाने के लिए। आपके शहर में जाते हैं भाग्य ठीक करने के लिए? जाते हैं आप भाग्य ठीक करने के लिए, भाग्य पूछने के लिए? अभी अगर सामने इस हॉल के बाहर कोई स्टॉल लगा के बैठे कि मैं आपको बताता हूं आपके साथ अगले साल क्या होने वाला है, कितनी जल्दी यहां से रश कम हो जाएगा, वहां चले जाएंगे। एक क्यूरियोसिटी है मन के अंदर जानने की कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, तो हम जाकर पूछ लेते हैं। हमें लगता है कैजुअल है, बस जाकर पूछना है कि होने क्या वाला है। बहुत ध्यान से, जो इन्फॉर्मेशन अंदर एक बार चली जाती है उसको फिर बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम बहुत कैजुअली गेट टुगेदर में, पार्टी में, पिकनिक पे बैठे हैं, कोई कहता है मुझे हाथ देखना आता है, सारे कहते हैं मुझे बताओ मेरे साथ क्या होने वाला है। बैठे बैठे हम चार बातें सुन लेते हैं, इन्फॉर्मेशन अंदर गई बाहर नहीं निकलेगी। फिर हम उनसे ही पूछते हैं, आप बताओ ना हमारा भाग्य ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो हमें बहुत सारे उपाय बताते हैं। वो सारे उपाय साइंटिफिक हैं, लेकिन वो सारे उपाय बाहर की चीजों के हैं। वो सब उपाय हम कर देते हैं, लेकिन जो कर्म करने वाली शक्ति है अगर उसको नहीं बदलते तो फिर भाग के बदलना। कोई हमें कहता है अपना नाम बदल लो, कोई हमें कहता है जिस रंग के कपड़े पहनते हो वो बदल लो, कोई कहता है अपना कमरा बदल दो, कोई कहता है अपना मकान बदल दो। हम सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। परमात्मा कहता है अपनी सोच बदल लो, वो भी फ्री में। करें करें? अगर सपोज एक घर में, एक कमरे में हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा बहुत होता है, तो कोई आकर कहता है आपका कमरा गलत है, कमरा बदल दो, हम कहते हैं अभी बदलो, अभी कमरा बदल दो, हम कहते हैं मकान ही बदल दो। अगर उससे भी ठीक नहीं होता हम कहते पति पत्नी बदल दो, वो भी बदल रहे हैं आजकल हम। ऑप्शन है, कमरा बदल दो, स्पाउस बदल लो, नौकरी बदल लो, या अपनी सोच बदल लो। कौन सा ज्यादा इजी है, कमरा बदलना या सोच बदलना? सोच बदलना ज्यादा इजी है, कमरा बदलना बहुत इजी है, अभी बदल लेते हैं हम। चैलेंज उठाना चाहिए, हम इसी कमरे में रहेंगे, इसी घर में रहेंगे और हमारा आपस में रिश्ता कैसा होगा? बहुत सही चलेगा। क्यों नहीं तो क्या हुआ, जितना चीजें हम बाहर बदलते गए वो सब एनर्जी है, सारी साइंटिफिक है, वो एनर्जी है, लेकिन उस सारी एनर्जी से ऊपर कौन सी एनर्जी है? आत्मा की शक्ति। अगर आत्मा की शक्ति पावरफुल तो वो लोअर शक्ति के ऊपर भारी पड़ जाएगी, लेकिन अगर आत्मा की शक्ति कमजोर तो सारी लोअर एनर्जीज पावरफुल पड़ जाती हैं। जितना हम बाह्य चीजों को बदलते जाते हैं हम अपनी शक्ति को यूज नहीं करते, उतना हमारी अपनी शक्ति क्या होती जाती है, धीरे 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 कम होती जाती है, हम उसको यूज नहीं करते। कोई हमें कहता है आपके अगले 6 महीने भारी, राइट कह रहे हैं वो, हमारी जन्मपत्री देख कर कह रहे हैं वो। बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन उसकी जन्मपत्री बन जाती है। वो जन्मपत्री किस आधार से बनती है? जो कर्म और संस्कार वो आत्मा करके आती है, वो ब्लूप्रिंट है जो उस दिन बन जाता है, लेकिन वो उस आधार से बनता है जो हम करके आए हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे उसकी पावर
हमारे पास है। वो ब्लूप्रिंट, वो संस्कार बताता है जो हम लेकर आए हैं, लेकिन आज हम कौन से संस्कार बनाएंगे वो चॉइस हमारे पास है। तो वो एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? हमारे पास है। कोई हमें कहे आपके अगले 2 साल भारी है, ये इंफॉर्मेशन जैसे ही अंदर बैठ जाती है, हम जो भी करते हैं उसके पीछे एक थॉट हमारी ऑलरेडी होती है, कर तो रहा हूं लेकिन ये 2 साल में सफलता तो मिलने वाली नहीं है। जब ये थॉट पहले से ही पीछे होगी तो कर्म की एनर्जी क्या हो जाएगी? जब हमें कोई प्रेडिक्शन मिलती है, वो प्रेडिक्शन साइंटिफिक है, राइट है, लेकिन वो एक प्रेडिक्शन है, एक संभावना है। संभावना सुनने के बाद वास्तविकता क्या बनाना है वो चॉइस हमारी है। आज हमें कोई कहे अगले 6 महीने में आपको डायबिटीज होने वाला है, वो संभावना है। किस बेसिस पर? आज की ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से, आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से, आज की फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से अगले 6 महीने में हमें डायबिटीज हो सकता है। प्रेडिक्शन, संभावना, इंफॉर्मेशन सुनी, घर आए, 2 चॉइस है। कोई कहेगा 6 महीने में मुझे डायबिटीज होने वाला है, क्या करूं? खाने को टाइम नहीं मिलता, सोने को टाइम नहीं मिलता, वॉक तो पॉसिबल ही नहीं, मम्मी को भी है, पापा को भी है, इनको भी है, होना ही था मुझे। उसको 6 महीने से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि टेंशन क्रिएट किया। कोई और कहेगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप कहेंगे अभी हुआ नहीं, अभी बॉर्डर लाइन पे है, सिर्फ आज से लाइफस्टाइल चेंज, खाने का टाइम, सोने का टाइम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सब कुछ चेंज। कब होगा डायबिटीज? कब होगा डायबिटीज? कभी नहीं होगा। प्रेडिक्शन राइट थी? प्रेडिक्शन राइट थी? प्रेडिक्शन राइट थी, बिल्कुल। प्रेडिक्शन बिल्कुल राइट थी, लेकिन किस बेसिस पर थी? उस दिन की लाइफस्टाइल के बेसिस पर वो प्रेडिक्शन राइट थी। हमने क्या कर दिया? लाइफस्टाइल ही चेंज कर दी, प्रेडिक्शन रॉन्ग प्रूफ हो गई है। तो जो हमें प्रेडिक्शन दी जाती है हमारी जन्मपत्री देखकर, वो हमारे उस दिन के संस्कारों पर बेस्ड होती है कि ऐसे ऐसे आपके संस्कार हैं तो ये होने वाला है, वो राइट है। लेकिन जब वो होने वाला है, हम उसको कैसे फेस करेंगे वो कोई और हमें नहीं बता सकता, वो चॉइस हमारी है। अगर मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे कोई कहे आने वाले 6 महीने में आपके साथ बहुत नुकसान होने वाला है, तो वो राइट कह रहे हैं, नुकसान होने वाला है। लेकिन इस 6 महीने में मैं अगर आत्मा अपनी शक्ति बढ़ा लूं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान मुझे कुछ बड़ा लगने ही नहीं वाला है, क्योंकि मेरी शक्ति बढ़ चुकी है, नुकसान छोटा लगेगा। तो प्रेडिक्शन राइट होती है, लेकिन रियलिटी क्या बनानी है वो चॉइस हमारी होती है, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखना है। तो अगर अपने भाग्य में कुछ भी परिवर्तन करना है तो किसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? अपने पास आना चाहिए। हम पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कहते हैं पूजा करो पूजा, तो हम कहते हैं पंडित जी आप आओ, आप पूजा करो। पूजा करो मतलब अपने मन की सोच को बदलो, अपनी सोच को इतना प्योरिफाई करो, इतना पावरफुल बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ, बात आएगी आप हल्के में क्रॉस कर दोगे। हम कहते हैं पंडित जी आप पूजा कर दो आके। अगर पंडित जी ने पूजा की तो मन किसका पावरफुल हो जाएगा? हमें लगा पूजा हो जानी चाहिए सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मन को पूजा करके अपने को पूजनीय बनाना होगा, उतना पावरफुल बनाना होगा कि बात आएगी और हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। हम क्या करते हैं? पंडित जी पूजा कर रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं।
फिर सिर्फ उसके बाद होता क्या है, हम कहते हैं पूजा हो गई ना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम वो एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो एक थॉट चीजें ठीक करना शुरू कर देती है। थोड़े दिन के बाद हमें वो भूल जाता है कि पंडित जी ने पूजा की थी, और हमारी थॉट धीरे धीरे क्या होने लगती है, वापस नेगेटिव जाने लगती है। फिर हम पंडित जी को कहते पंडित जी जल्दी आओ फिर से पूजा करनी है। डिपेंडेंसी हमेशा किसी और पर हमें रोज करनी है, हमें रोज अपने मन को क्या करना है, प्योरिफाई करके पावरफुल बनाना है। बातें आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि हम उसको अपने भाग्य में ऑलरेडी लिख कर लाए हैं। इम्पोर्टेंट ये है जब वो बात आएगी इस बार हमें उसको कैसे फेस करना है, उसके लिए अपने आप के पास जाना है। Oh.